लोकसभा का चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन बिहार में अभी तक चुनावी बिगुल नहीं बजा है। ना ही एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हुई है। अभी भी मामला जो है सीट शेयरिंग पर अटका हुआ है। कहीं ना कहीं एक तरफ एनडीए में जो उठापटक है वो देखने को मिल रही है, चिराग पासवान जो नाराज़ हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, जीतनराम मांझी भी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस ये दोनों जो हैं वो एनडीए के लिए काफ़ी बड़े जो है मुसीबत साबित हो रहे हैं। बता दें कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की दावेदारी जो है चिराग पासवान कर रहे हैं, वहीं पशुपति कुमार पारस वहां से उनकी सिटिंग सीट है। अब इस पर देखना यह है कि एनडीए इस पेच को कैसे सॉल्व करती है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी जो है अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए की जो खटपट है वो देखने को मिल रही है। एनडीए के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तमाम बातों को कहा है 400 पार का जो लक्ष्य है हमारा वो इस बार पूरा होगा। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार, एक बार आप सुने। 407 पार का लक्ष्य है हमारा और इससे भी बड़ा भाजपा सहित सभी घटक दलों का उत्साह और हौसला और कमिटमेंट है। इसके लिए बिहार की 40 की 40 सीट हम कैसे जीतें, जानदार तरीके से सीट शेयरिंग बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सारे अफवाहों पर तुरंत विराम लगने वाला है और सभी सीट शेयरिंग के बाद सभी घटक दल लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री 400 से अधिक सांसदों के बाद कैसे बनाए इसमें लगे हैं और इसमें लगे रहेंगे। कोई कहीं अफवाह नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई कहीं रूठा हुआ नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है और जल्द ही तमाम बातों को सुलझा लिया जाएगा। देखिए जल्द ही तमाम जो लिस्ट है वो भी जारी करने की बात जो है उन्होंने कही है और ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।